अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बनाएंगे लौकी और गोश्त या कद्दू और गोश्त भी बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। और ये है 1 चम्मच मैंने लिया सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच है खुश्क धनिया और 2-3 लौंग हैं, 2-3 काली मिर्चें हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है नमक और 1 चम्मच है क्रश चिली, 1 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है सुर्ख मिर्च। तो 1/2 किलो मैंने ली है लौकी, 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 बड़े साइज़ के प्याज, 2 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मसाले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। अब इसमें है लहसुन और अदरक। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लहसुन और अदरक की बनाई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। लौकी और गोश्त बड़े टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अब प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज तकरीबन फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, 1 मिनट तक इसको भी ऑयल में भूनेंगे ताकि प्याज लहसुन और अदरक सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। अब ऐड करते हैं टमाटर, इनको भी तकरीबन इतनी देर तक भुनाई करनी है टमाटर अच्छी तरह कर जाए। टमाटर भी हमारे गल गए हैं, तकरीबन मिक्स हो गए सारे मसाले। अब इसमें ऐड करते हैं गोश्त। गोश्त की भी मैं बुनाई करूंगी। लौकी को मैंने थोड़ा सा 1 बॉईल तक उबलने के लिए रखा है, थोड़ी सी सख्त होती है। इसके बाद मैं फिर वो इसमें ऐड करूंगी लौकी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं गोश्त को भूनूंगी इसी तरह। देखिए जी माशाल्लाह, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने गोश्त की भुनाई की है। हमारा गोश्त तकरीबन भुन चुका है। लौकी को मैंने उबलते हुए पानी में डाला है और फिर निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं ऐसा करने से लौकी का टेस्ट भी अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है गोश्त के साथ। अब मैं इसको तकरीबन तब तक भुनाई करूंगी जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, सारे मसाले मिक्स नहीं होते, तब तक इसको भुनाई करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह, हमारे गोश्त की भुनाई हो गई है और लौकी भी तकरीबन इसमें मिक्स हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और धनिया पाउडर।
जीरा पुदीना, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाना भी जल्दी हजम होता है। तकरीबन एक मिनट तक और मैं इसकी बुनाई करूंगी। अगर आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त और लौकी बिल्कुल तैयार है, ऑयल भी पूरा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे लौकी और गोश्त बिल्कुल रेडी है। बनाना बहुत ही आसान है, इजी सी रेसिपी है। आप भी बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।